ओम शांति। आज 15 जून 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे संगम का ये समय बहुत वैल्यूएबल है और इसी समय में हमें माया जीत बनना है। इसीलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को गफलत नहीं करनी है, कभी किसी को न दुख देना है न किसी से दुख लेना है। यही बहुत बड़ी गफलत है। बाबा कहे, तुम बच्चों को ये नहीं करना है। बाबा की हम बच्चों के प्रति जो आश है, उस आश को समझते हुए पूरा करना है। बाबा की आश है कि मेरे सभी बच्चे एवर प्योर एवर गोरा बन जाए। बाबा कहे, उसके लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो कि लक्ष्मी नारायण कितने प्योर और गोरे हैं। ऐसे हम बच्चों को भी एवर प्योर और गोरा बनना है, तभी तो लोग लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के उनकी महिमा गाते हैं। तो इसीलिए बाबा की अब श्रीमत मिलती है कि बच्चे, तुम्हें गोरा सतो प्रधान बनने का ही पुरुषार्थ करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना ये बहुत बड़ी गफलत है, जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप के हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है? उत्तर है, बाप की आश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए। बाप एवर गोरा है, वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती है, बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं, अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है, मीठे बच्चे अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, उनको सतो प्रधान बनाना है, जिसको गोल्डन एजड कहा जाता है। बाप आत्माओं को देखते हैं, बाबा बच्चों को देखते अर्थात आत्माओं को देखते हैं। आत्मा को ही ख्याल होता है, हमारी आत्मा काली बन गई है। रियलाइजेशन सारी आत्मा में है, आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था, देखते थे यह तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे हैं, हम तो काले भूत हैं, परंतु ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे, हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए हैं। उनके आगे कहते हैं, हम काले विशेष पापी है। जब महिमा गाते हैं लक्ष्मी नारायण की, तो उनके सामने अपना भी फिर वर्णन करते हैं कि हम काले विशेष पापी है। शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं। दोनों ही पहले निर्विकारी है, फिर विकारी बनते हैं। तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे, विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां होती है, हर एक पवित्र स्थान पर भी शादियां होने लगी है।
पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं, अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो। निर्विकारी पवित्र बनने के लिए बाबा कहे कंगन बांधते हो, इसलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। जानते हो इस रथ के ब्रुकुटी के बीच शिव बाबा है, वह एवर प्योर है। उनकी यही आश रहती है कि बच्चे भी प्योर गोरा बन जाए, मां एकम याद कर प्योर हो जाए। आत्मा को याद करना है किसको? बाप को। बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं, तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो पवित्र बन जाए, तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अंदर में समझते हैं फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं, फिर वहां जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ। इसलिए यहां सन्मुख बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ब्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है। कितना प्यार से बाबा समझाते हैं कि ब्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है। अकाल आत्मा का यह तख्त है, जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वह इस तख्त पर बैठे हैं। आत्मा खुद तमो प्रधान है तो तख्त भी तमो प्रधान है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं। आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी। यहां से जब जाएंगे तो नेचुरल है आत्मा पवित्र बनकर के ही वापस घर जाएंगी। फिर देवी देवता कहलाएंगे, हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है, पूरा लक्ष्य ही बुद्धि से भुला देती है। कई यहां से सुनकर बाहर जाते हैं फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, अपने को देखना है। जितना इन देवताओं में गुण है वह हमने धारण किए हैं। देखो बाबा कहे कि जितना इन देवताओं में गुण है वह हमने धारण किए हैं। श्रीमत पर चलकर चित्र भी सामने है। तुम जानते हो हमको यह बनना है, बाप ही बनाएंगे, दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना न सके। एक बाप ही बनाने वाले हैं। कौन बनाते हैं? एक बाप ही बनाने वाला है। गायन भी है मनुष्य से देवता ये करत न लागी बार, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। ये बातें भक्त लोग नहीं जानते हैं। बाबा कहे भक्त की तो बुद्धि में आएगा भी नहीं। जब तक भगवान की श्रीमत न लेवे कुछ भी समझ न सके। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो, ये अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते यह बन रहे हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी नारायण तो गोरे है ना, मंदिरों में फिर सांवरे बना रखे हैं। इतने गोरे होते हुए भी मंदिरों में उनको सांवरे बना रखे हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है। माउंट आबू में भी रघुनाथ का मंदिर है तो बाबा कहे वहां राम को काला बनाया है। क्यों? इसको पता नहीं। बात कितनी छोटी है। बाबा समझाते हैं शुरू में यथे सतो प्रधान, खूबसूरत प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है। प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है परंतु सजाएं खाकर बनती है। जितनी जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता है। मेहनत नहीं करते तो पाप कटते नहीं, पद कम हो जाता है। बाप तो क्लियर कर समझाते हैं।
तुम यहां बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है जिसने काला बनाया है। इतनी बड़ी दुश्मन है जिसने हमें काला बनाया है। देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पाठ बजाना है, माया को भी अपना पाठ आधा कल्प का बजाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है। लिखते भी है बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते हैं यही तो युद्ध है, यही युद्ध है। तुम गोरे से काले फिर काले से गोरे बनते हो, ये खेल है। समझाते भी उनको है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उनके पांव भारत में ही आते हैं, ऐसे भी नहीं भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं। अभी तुम बच्चों का ये टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा। बाबा कहे पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमको ऐसा बनना है। जरूर बाप ने कहा है सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसको भी दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो, बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। कौन सी गफलत नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कहे सिर्फ मुझे याद करो, बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी हम आप पर वारी जाएंगे, जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो। बाबा आप आएंगे तो हम आपकी मत पर ही चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी। जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो जोड़ी बनती है। ये बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं, यह भी गुण है ना। गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं। बाबा कहे गोप मना भाइयों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं। कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है, ये जंजीर टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। बाबा ऑफर करता है मेरे में फंसो ना, जैसे तुम निराकार हो मैं भी निराकार हूं, तुमको आप समान बनाता हूं, टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन सर्जन बनाएंगे। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम बाला है, बेहद के बाप का ही नाम बाला है। बुलाते भी है हे पतित पावन आओ, आत्मा बुलाती है। शरीर द्वारा बाबा आकर हमको पावन बनाओ, आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा। क्या बुलाती है? बाबा आकर हमें पावन बनाओ। तुम जानते हो हमें पावन कैसे बना रहे हैं? जैसे हीरे होते हैं उनमें भी कोई काले दागी होते हैं, सभी आत्मा में एलॉय पड़ा है। बाबा कहे सभी आत्मा में खाद पड़ी है, उसको निकाल फिर सच्चा सोना बनते हैं। आत्मा को बहुत प्योर बनना है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, ये लक्ष्य बहुत स्पष्ट है और सत्संग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे। जितने भी और सत्संग है बाबा कहे वहां ये लक्ष्य नहीं दिया जाता है। बाप समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है यह बनने का। यह भी जानते हो ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में विकारी बने हैं,
अब यह बनना है। तुम्हारे पास बैज भी है, इस पर समझाना बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति। शुरू शुरू में बैज बहुत अच्छे छोटे होते थे, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी नारायण, एक तरफ त्रिमूर्ति होती, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं है, वह तो पतित से पावन बनते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं है कि यह पतित ही फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, मंजिल पढ़ाई की ऊंची है। ये पढ़ाई की मंजिल ऊंची है। बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। ज्ञान है ही बाबा में, वह कोई से पढ़ा हुआ नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहां से आया, नहीं, वह तो है ही नॉलेजफुल। बाबा है ही ज्ञान का सागर, वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते रहते हैं, समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं। सागर देवता समझते हैं, समझते हैं सागर देवता है। वास्तव में नदियां जो बहती है वह तो है ही, कभी विनाश को नहीं पाती। बाकी पहले यह ऑर्डर में रहती थी, नदियां सब ऑर्डर में रहती थी, बाढ़ आदि का नाम नहीं होता था, कभी बाढ़ आती नहीं थी, कभी मनुष्य डूबते नहीं थे, वहां तो मनुष्य ही थोड़े होते थे, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। तो धीरे धीरे नदी की जमीन भी हड़पना मनुष्य ने शुरू किया, तो फिर नदियां भी अपने हदों को छोड़ने लगी। तो बाबा कहे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं, वहां तो आयु भी बड़ी रहती है और कितने कम मनुष्य होंगे। फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है। सतयुग त्रेता 2500 वर्ष में 33 करोड़, और बाकी 2500 वर्ष द्वापर कलयुग में 800 करोड़, तो कितना गुना वृद्धि को पाए। झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। तुम ऐसे कहेंगे, तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता है हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम रूहानी वॉरियर्स योग बल वाले हैं। यह भी भूल जाते हैं, हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। अब यह राजधानी स्थापन हो रही है, जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट है ही ऐसा बनने के लिए। इन द्वारा बाबा हमको यह देवता बनाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? बाप को याद करना चाहिए। यह तो हुआ दलाल, ब्रह्मा बाबा तो हुआ दलाल, गायन भी है। जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में, बाबा ये शरीर लेते हैं तो यह बीच में दलाल हुआ ना। फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से, बाकी सगाई आदि का नाम मत लो। शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं ये बच्चों, मुझ बाप को याद करो। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे मुझ बाप को याद करो, तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हुए बाबा का ज्ञान सुनाएंगे। यह भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चल, बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर खाता रहेगा। बाप कहते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा है, टाइम थोड़ा भी है और टाइम वैल्यूएबल है। तो बाप कहते अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है, इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे। जब रिहर्सल होंगी तो तुम देखेंगे ऐसे विनाश होगा, इन आंखों से भी बहुत देखेंगे। बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा,
महतो को बाबा कहे वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा, यह भी जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब है रियल, भक्ति में है इमिटेशन। सिर्फ साक्षात्कार किया बना थोड़ी, साक्षात्कार हो जाने से बनते नहीं है, तुम तो बनते हो जो साक्षात्कार किया है फिर इन आंखों से देखेंगे। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है, हिम्मत चाहिए। बात मत पूछो, एक दो के सामने खून करते हैं। दो हाथ से ताली बजेगी ना, दो भाइयों को अलग कर देते हैं, आपस में बैठ लड़ो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस राज को वो समझते नहीं है। दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं, दोनों का बारूद बिकता रहेगा। कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और खलास। उसमें न मनुष्य की न हथियारों की दरकार है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे स्थापना तो जरूर होनी है, कुछ भी हो जाए स्थापना तो जरूर होनी ही है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समझाते तो बहुत है, भगवान कहता है ये काम कटारी न चलाओ। काम को जीतने से जगत जीत बनना है। आखिरन में कोई को तीर लगेगा जरूर। इतना बाबा समझाते हैं, बच्चे भी सेवा करते हैं, तो बाबा कहे आखिरन में कोई को तीर लगेगा जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ये टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है। पुरुषार्थ करके बाप पर पूरा वारी जाना है। दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक बाप की मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रदान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग है उन्हें जांच कर निकालना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नजारा भी हो लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वहां दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुखकर्ता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। पवित्र आत्माएं मास्टर सुखकर्ता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। आज का स्लोगन है, साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। साधनों का प्रयोग जरूर करो लेकिन उसमें आसक्ति न हो तो साधना बहुत अच्छी होगी।
और इसी को कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अच्छा, ओम शांति।